ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਜਨਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਔਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। राम जी सुधीर, क्या हुआ था कल ये जो? सर वैसे मुझे इसके विषय में पता यहाँ है नहीं, मैं मौके रहता था सर। अच्छा, ठीक है। मैं आया यहाँ पे, जो ये सब आंटी को पता था जहाँ रह रहे थे, उसने यहाँ पे बयान दिए अपने यहाँ थाने में, और आगे मुझे इसके विषय में पता नहीं है। बाकी भाई भाई में ही लड़ाई हुआ जी, लड़ाई हुआ। एक बड़े भाई मारे गए सर, और उनसे जो छोटे थे उसने मारा, ये भाई भाई की लड़ाई ही हुआ था सर। किस चीज़ को लेके झगड़ा हुआ है, कुछ पता है? सर ऐसा तो कुछ पता नहीं है, पहले से ही ऐसे ही घर की कुछ मैटर था, घर बार बनाने का, उनका ही पहले कुछ ऐसे ही डिस्कस चल रहे थे, इतना ही पता है। मैं क्योंकि यहाँ रहता था नहीं इन लोगों के साथ, मैं परिवार के साथ मौके रहता हूँ सर। मैं चौथे नंबर में हूँ सर। अच्छा अच्छा। मैं पाँच भाई हूँ सर। पाँच भाई जी सर। कितनी उम्र थी इसकी? इनका उम्र 32-33 सर तकरीबन। ये इकट्ठे ही रहते थे? ये इकट्ठा ही, जैसे नीचे में जिसने कत्ल किया, जो बिचकार आला भाई, वो नीचे रहते थे, जिनका कत्ल हुआ वो ऊपर रहते थे। भाई भाई ने भाई को अब क्यों मारा सर, क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं, इतना जानकारी मुझे है नहीं, है नहीं। मैं तो बॉडी लेने आया कि अब ले जा करके उनको अंतिम संस्कार कर देंगे, घर ले जा रहे हैं, बिहार ले जा रहे हैं। मोदी दिहाड़ीदार बंदे हैं, हरे सबका शादी विवाह हुआ है, बाल बच्चे भी सभी के हैं। जो मर गए उनके चार बच्चे हैं, जिसने मारा उनके भी चार बच्चे हैं। मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे भी दो बच्चे हैं। उधर तफ्तीशी अधिकारी राजेंद्र सिंह ने दसिया कि पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए दोषी की भाल शुरू कर दी है। अगर ये है बीती 25 और 26 की दरमियानी रात न, ललन कुमार ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਦੋਨੇ ਸਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ FIR ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 103(1) BNS ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।